एक पिता को सेक्स के लिए अपनी बेटी को बेचने की कोशिश करने के लिए जेल में 60 साल हो गए, वह 4 थी। एंड्रयू जेम्स ली को हैरिस काउंटी टेक्सास में एक जूरी के बाद सजा सुनाई गई थी, जिसमें उन्होंने 18 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे के तस्करी के लिए दोषी ठहराया था। एक विस्कॉन्सिन आदमी जो अधिकारियों ने कहा था कि क्रेग्सलिस्ट पर सेक्स के लिए अपनी 4 साल की बेटी बेचने के लिए एक विज्ञापन पोस्ट किया गया है, उसे 60 साल की जेल में सजा सुनाई गई है। एंड्रयू जेम्स टली को शुक्रवार को हैरिस काउंटी टेक्सास में एक जूरी के बाद सजा सुनाई गई थी। उन्होंने 18 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे की तस्करी और सम्मोहक वेश्यावृत्ति का दोषी ठहराया। अभियोजन पक्ष ने कहा, टली 30 के 2 साल बाद यह वाक्य ह्यूस्टन पुलिस अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करता है, जिन्होंने जॉर्जिया की लिटिल गर्ल के साथ प्ले नामक क्रेगलिस्ट विज्ञापन देखा था। टली ने अपनी बेटी को 10 सेकंड कम उम्र के रूप में वर्णित किया, क्योंकि उन्होंने 70 सेकंड अधिक ईमेल एक्सचेंजों में एक संभावित ग्राहक के साथ एक बैठक की व्यवस्था की थी। हैरिस काउंटी जिला अटॉर्नी के कार्यालय के अनुसार, उसने ग्राहक को कई ईमेल में बताया कि वह मतभेड़ से पहले बच्चे को कुछ नींद दवा देगा और वह 2 घंटे के लिए $1,000 का शुल्क ले लेगा। जिला अटॉर्नी के कार्यालय ने कहा कि टली ने बताया कि उनकी बेटी संभोग के लिए बहुत छोटी हो सकती है, लेकिन सब कुछ ठीक था। टली को अज्ञात ग्राहक एक गुप्त पुलिस अधिकारी था। टूरले को नवंबर 2015 में गिरफ्तार किया गया था, जब अंडरवर्ल्ड ऑफिसर एक ह्यूस्टन अपार्टमेंट में दिखाया गया था जहां बच्चा अपनी मां के साथ रह रहा था। टली अपनी बेटी के साथ यात्रा करने के लिए ह्यूस्टन में था, अभियोजन पक्ष ने कहा। लड़की एक बेडरूम में थी, अनुत्तरदायी थी और एक कंबल के नीचे नग्न झूठ बोल रही थी। बच्चे की मां, जिसे चार्ज नहीं किया गया था, वह नहीं जानता था कि टली क्या कर रहा था। इस मामले ने मेरा दिल तोड़ दिया, स्टीवन नामिस्किल ने कहा। सहायक जिला वकीलों में से एक ने इस मामले पर मुकदमा चलाया। एक पिता को एक संरक्षक नहीं माना जाता है, जूरर्स ने उन्हें अपने समुदाय से बाहर रखने की जरूरत महसूस की। टली को 2 आरोपों में से प्रत्येक पर 30 साल की सजा सुनाई गई थी। वह 75 साल के होने तक पैरोल के पात्र नहीं होंगे। नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन ने कहा कि उसने 2017 में संभावित बाल यौन तस्करी के 10,000 सेकंड अधिक रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया दी। यह स्पष्ट नहीं है कि कितने रिपोर्टों के कारण आपराधिक आरोप और प्रतिबद्धता हुई थी। संगठन के कार्यकारी निदेशक स्टेका शेहान ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में हर साल सेक्स के लिए कितने बच्चे लूट रहे हैं, इसका कोई विश्वसनीय आंकड़ा नहीं है। अक्टूबर में एक शिशु और उसकी 5 वर्षीय बहन एक दर्जनों में यौन शोषण वाले किशोरों में से एक थे, जिसने देश भर में दंगों के बाद बचाया, जिसके परिणाम स्वरूप 120 अभियुक्त यौन शोषणकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई। एफबीआई ने घोषणा की। एजेंसी ने कहा कि शिशु और उसकी बहन $600 के लिए बिक्री के लिए थे।